तो भाइयों बहनों स्वागत है आपका मोटोरॉयज में। ये है बजाज चेतक और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये है इसका बैकलिट स्विचेस। तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ स्विचेस हैं, ये है डी ड्राइव मोड जो यहाँ पर फिलहाल स्कूटर जो न्यूट्रल में है, तो इसका साइड स्टैंड ऊपर करते ही इस स्विच को अगर आप दबाते हैं, इसको ब्रेक आईडी प्रेस करके करना होता है, तो एक सेकेंड, तो ये कुछ इस तरह से ड्राइव मोड में चला जाता है और यहीं से ये डी स्विच से ही आप इसको सिलेक्ट करके स्पोर्ट या इको में स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैटरी की पावर कितनी बची है वो आपको दिखाई देता है। ये ओडोमीटर है, यहाँ पर आपको स्कूटर की स्पीड नज़र आती है जो टॉप स्पीड इसकी 60 है बाय द वे। यहाँ पर रेंज आपको नज़र आती है और यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी है। यहाँ से आप जो इस स्कूटर का मेन बीम या हेडलाइट इस स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह होता है, एक ऑन है और यहाँ पर एक प्ले बटन है। तो ये मैं यहाँ पर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछ लेता हूँ। ये सर ये प्ले बटन और ये पॉज किस लिए है? ये अपना जो ब्लूटूथ लगाएंगे ना उसके लिए। ओके, तो ये फ़ोन क्योंकि ये स्कूटर क्योंकि कनेक्टेड है, ये आपके फ़ोन से पैर होती है। बजाज चेतक का एक अलग से ऐप होगा जिसमें आपको स्कूटर का जो चार्जिंग स्टेटस है वो आपको समझ में आएगा, स्कूटर का लोकेशन आपको नज़र आएगा और अगर कोई आपकी स्कूटर बिना चाबी के ले जाने की कोशिश करे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर इसको साइड स्टैंड नीचे करके आप न्यूट्रल में जैसे ही यहाँ पर इस स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये न्यूट्रल में चली जाती है और स्कूटर के एक रिवर्स मोड भी है यहाँ पर, जिससे ये स्कूटर रिवर्स में करीब 5 की स्पीड पर पीछे की तरफ सरक सकती है। यहाँ पर मोड्स हैं जहाँ पर एक आपको ट्रिप मीटर दिखाई देता है, एक आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और ये एक SOC वर्जन। सर SOC वर्जन क्या? स्टेट ऑफ चार्ज जिसे कहते हैं, तो स्टेट ऑफ चार्ज इज़ व्हाट यू कैन सी हियर। और यहाँ पर एक साइड स्टैंड इंडिकेटर भी है जो डिजिटल है बाय द वे। अब इसका एक काफ़ी नीट फीचर जो है कि यहाँ पर आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये जो इसका सामने का ग्लव बॉक्स है ये खुल जाता है। यहाँ पर इसका की फॉब है जो इस तरह से नज़र आता है, आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं या तो अपनी जेब में भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक इल्यूमिनेटेड USB चार्जर है जिससे आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट एड किट और छोटा सा टूल बॉक्स भी है और ये है पाउच जिसमें आपका जो होम चार्जर का केबल है और जो प्लग है वो यहाँ पर इस पर वाइंड होकर रह जाता है, तो इसको इस तरह से ये बंद हो जाता है। और इसी बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करें तो पीछे की सीट है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देखें तो जो चार्जर का सॉकेट है यहाँ पर अटैच होता है, दूसरा जो कोना है या छोर है वो आपके वॉल सॉकेट में जाएगा और वो 3-pin प्लग है। और यहाँ पर आप देखें तो बूट स्पेस डीप नहीं है तो शायद यहाँ पर हाफ फेस हेलमेट ही रह सकता है। एक बूट लाइट भी आपको मिलती है तो काफ़ी नीट है। ये इस स्कूटर का प्रीमियम वर्जन है जहाँ पर आपको ये टैन फिनिश सीट मिलती है और मेटालिक कलर मिलता है पूरे जो स्कूटर के मेटल बॉडी है उस पर। तो ये थी बात स्कूटर के फीचर्स और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। एक और वीडियो है जहाँ पर स्कूटर की सारी जानकारी आपको मिलेगी। मेरा नाम है करण, ये है मोटोरॉयड्स। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन का बेशक इस्तेमाल कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा।